नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लवली गार्डन में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कमल का पौधा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कमल का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ होता है। ये कमल का पौधा मैंने घर में शुभ के लिए ही लगाया है, तो मैंने कहा कि आपके साथ इसका वीडियो क्यों ना बनाकर शेयर किया जाए। ये मैंने ये छोटे से पॉट में लगा रखा है। ये मेरा मिट्टी का पॉट है, इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। और ये साल भर में एक बार इसमें फूल आते हैं, वो भी बरसात में। और इसमें मैंने मिट्टी डाल के, मिट्टी और बालू डालकर इस पौधे को लगाया है। और इसमें पानी मैं हमेशा भरती हूँ, आप देख रहे हैं इसमें चिड़ियाँ पानी पीती हैं। और इसके पत्ते को भी, बहुत सारे पत्ते को भी नुकसान पहुँचाती हैं, खा लेती हैं। और इस पौधे इसकी मिट्टी में कीड़ी ना पड़े, जम्स ना पड़े, इसके लिए मैंने वो मिलता है इतना बड़ा बड़ा रंगीन घोंघा मिलता है। मछली मैंने डाली थी तो सब वो चिड़ियाँ तो खा गई। अब वो घोंघे क्या होते हैं कि जो पुरानी पत्तियाँ हैं, सूखी हैं, पानी के नीचे रहती हैं, या फिर वो मिट्टी में चले जाते हैं, धंसे रहते हैं, तो इसलिए वो बच जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि पानी का क्लीनिंग करते रहते हैं, इसलिए कोई इसमें बदबू नहीं आती है पानी में। और ये पौधा स्वस्थ है, मेरा पानी भी साफ़ सुथरा है। और मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, NPK लिक्विड मैं सारे पौधों में डालने के लिए जब इस्तेमाल करती हूँ तो इसमें भी डाल देती हूँ। और यूरिया दो तीन दाने इस यूरिया के पानी में घोलकर डालती हूँ। उस समय मैं पानी की मात्रा बहुत कम रखती हूँ ताकि वो पानी सूख जाए, फिर दोबारा मैं उसमें पानी डालूँ, क्योंकि वो पानी पीते हैं, चिड़िया लोग पीती हैं, तो नुकसान करेगा उनको। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा करती हूँ। फिलहाल मुझे नहीं पता कि उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। हाँ, मेरे कमल का पौधा स्वस्थ है, बस ये मुझे पता है। और ये फुल सनलाइट का पौधा है, इसको भी फुल सनलाइट पसंद है। ठंडी के दिनों में मैं देखती थी कि इसमें सारे पत्तियां ख़राब हो गई थी, और एक दो पत्ती थी तो वो भी बहुत मुश्किल से निकली थी। आप देख रहे हैं इसमें ये पत्तियां ऐसे हैं, फिर ये तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं। आप देख रहे हैं ये छोटी सी ये निकलने वाली हैं, और कुछ इसी में सूख के इसी में चली जाती हैं, गिर जाती हैं, जो खाद बनती रहती हैं, और मैं उसको हटाती नहीं हूँ। ये बारिश के समय में जब इसमें फूल खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये घर के लिए बहुत शुभ है। इसको मैं जब इसमें इस पॉट में लगाए, मैं इसी में से थोड़ा सा जड़ निकाल के दूसरे पॉट में लगाऊंगी, बड़े पॉट में, तो उसका वीडियो मैं आपको बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि ये कैसे ग्रो होता है और इसको लगाना कितना आसान है। ये घर पे मेरे घर पे लक्ष्मी माता के लिए पूजा में यूज करने के लिए आया था कमल गट्टा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लक्ष्मी माता को कमल गट्टा और कमल कितना पसंद है, तो मैंने उसमें से दो तीन दाने साबुत उसको पानी में डाल दिया एक दिन। वो जब उसका ऊपर वाला हिस्सा, काला वाला जो सख्त वाला हिस्सा रहता है, थोड़ा नरम हो गया, तो मैंने उसे ब्लेड से हल्का सा मुँह पे कट कर दिया, तो वहाँ से उसके अंदर से अंकुर निकलने लगा, स्प्राउट। तो फिर उसको चार दिन में कमल में से स्प्राउट 5-6 इंच तक निकला होगा। उसके बाद मैंने इसको इस वाले पॉट में लगा दिया, जो कि इसमें पत्ते आते रहते हैं, खिलते रहते हैं, पूरा भर जाता है, ये पूरा भर जाएगा कभी कभी, और कभी कभी चिड़ियाँ इस पे अपना क्रियाकलाप कर देती हैं। आप देख रहे हैं कि ये छोटे से पॉट में लगा हुआ कितना प्यारा लगता है। ये मैंने बस अपने घर के शुभ के लिए मैंने लगाया था, कमल का पेड़, कमल, अनार, अड़हुल, लाल वाला, नीम, समी, मनी प्लांट और जेड प्लांट, ये सब बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ होते हैं, शुभ मानते हैं सब, इसीलिए मैंने भी लगाया है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको जल्द से जल्द मिले, और जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस, मेरे चैनल को इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।